राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बीच कर रही है, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान 21 जुलाई को जस्टिस बी आर गवई ने खुद को केस से अलग करने की पेशकश तक कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो पूरा मामला समझते हैं। दरअसल उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के साथ अपनी पारिवारिक रिश्ते होने का हवाला दिया। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे, वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे लेकिन इससे जुड़े हुए थे। सिंघवी जी, आप कांग्रेस के साथ 40 सालों से ही ज्यादा समय से हैं और मेरे भाई अब भी राजनीतिक में है, कांग्रेस में, कृपया आप लोग फैसला लें कि मुझे इस सुनवाई में शामिल रहना चाहिए या नहीं, रहना चाहते हैं या नहीं रहने देना चाहते। हालांकि दोनों पक्षों ने जस्टिस गवई के मौजूद रहने पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद बेंच की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि देश के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी जज ने देरी से फैसला सुनाने पर माफी मांगी थी। जस्टिस गवई ने चंडीगढ़ से संबंधित मामले में देरी के फैसले से न केवल माफी मांगी बल्कि देरी का कारण भी पक्षकारों को बताया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला राहुल गांधी के केस पर नहीं लिया है। याचिकाकर्ता पुर्णेश मोदी और गुजरात सरकार से 10 दिन में उनका पक्ष पूछा गया है और उन्हें 4 अगस्त तक नोटिस भेजा गया है कि इससे पहले आप नोटिस को का जवाब दें और सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब रखें। अब आपको बताते हैं कि बी आर गवई की परिवार के बारे में। बी आर गवई के पिता आर एस गवई की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई नाम से पार्टी थी। आर एस गवई सांसद और राज्यपाल भी रहे हैं। जस्टिस गवई के भाई राजेंद्र गवई भी पॉलिटिक्स में हैं। परिवार बी आर अंबेडकर से प्रेरित है और बौद्ध धर्म का पालन करता है। बी आर गवई के पिता आर एस गवई हैं और आर एस गवई के बारे में आपको बताएं तो 11 जुलाई 2008 से 7 सितंबर 2011 तक केरल के राज्यपाल रहे। 13 जुलाई 2006 से 12 अगस्त 2006 तक सिक्किम के राज्यपाल रहे। 12 जून 2006 से 9 जुलाई 2008 तक बिहार के राज्यपाल रहे। महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य भी रहे और ये सदस्य रहे थे 3 अप्रैल 2000 से 2 अप्रैल 2006 तक। लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। 10 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक लोकसभा के सदस्य रहे। जस्टिस गवई के काम करने का अपना तरीका है। जस्टिस गवई ने चंडीगढ़ से जुड़े केस में देरी के फैसले देने के लिए न केवल माफी मांगी थी बल्कि देरी का कारण भी पक्षकारों को बताया था। ऐसा पहली बार हुआ था। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस बी आर गवई। बी आर गवई के बारे में जानना भी जरूरी है क्योंकि जस्टिस गवई का पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 1985 में वकील बने थे। मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में प्रैक्टिस शुरू की थी और फिर अपनी काबिलियत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से पहले 2003 से 2019 तक 15 साल तक मुंबई हाई कोर्ट के जज रहे और सब ठीक रहा तो जस्टिस गवई 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद जस्टिस गवई ने 200 से ज्यादा मुकदमों के फैसले सुनाए हैं। 422 बेंचों का हिस्सा भी रहे हैं। जस्टिस गवई जिस बेंच का हिस्सा है उससे राहुल गांधी को बड़ी उम्मीद है। राहुल गांधी लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हार चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा कम करने पर रोक लगाती है तब राहुल गांधी की राजनीति की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो राहुल गांधी 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 2031 तक राहुल गांधी राजनीतिक कैरियर से बाहर हो जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।